हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोर्न शो यू हाउ टू मेक थ्री डी वॉल ऑन पेपर सो लेट स्टार्ट वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहले बनानी है हमने एक एल टाइप शेप तो फर्स्ट लाइन जो लगानी है वो लगानी है वन एंड हाफ सेंटीमीटर की और ये जो ऊपर वाली लाइन है वो लगानी है हमने टेन सेंटीमीटर की और ये टेन सेंटीमीटर और उसके बाद जो दूसरी ये जो लाइन लगी है ये लगानी है हमने फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की ये फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कंप्लीट अब इसको सेंटर वाली लाइन्स को भी इसी तरह हमने कवर करना है ऊपर से वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर छोड़ के नीचे सीधी एक लाइन लगानी है और इसको पूरा लाइक जैसे डबल एल होता है ना इसको डबल एल शेप बनाना है ये हो गया और इसके बाद एल शेप कंप्लीट तैयार करने के बाद हमने क्या करना है कि इस पे बनाने हैं जैसे वाल्स होती है ना वाल बनी होती है जैसे ब्लॉक लगे होते हैं उस तरह से जॉइंट्स पे तो अब हम इसके टॉप पे बनाएंगे जॉइंट्स ये एक हो गया और ये जो ऊपर वाली जो लाइन है उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें और ये जो साइड वाली लाइन है इसको आप दो तो हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि आपके जो ब्लॉक्स हैं वो अच्छे तरीके से और सही तरीके से कंप्लीट बन जाए ये और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है ये एक ब्लॉक बन के यहाँ से हमारे दो और जो उस साइड वाली जो लाइन है फ्रंट लाइन उस पर हमने करने हैं तीन ब्लॉक्स उसको हमने डिवाइड करना है तीन पोशंस में लाइक वन एंड टू तो। ये हो गया यहाँ से इसको कर देने हैं हमने लाइंस ताकि ये जो ब्लॉक हैं ये भी हमें सही तरीके से शो हो जाए और एक्स्ट्रा लाइन होगी सॉरी इसको रिमूव कर देंगे साथ साथ सो ये हो गया हमारा फ्रंट वाल का टॉप व्यू अब हमने क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है थ्री में तो थ्री में कन्वर्ट करने के लिए इसके जो सेंटर पॉइंट है उसमें से हमने एंगल पे लाइन लगानी है और वो जो लाइन लगेगी वो होगी नाइन सेंटीमीटर की टॉप कॉर्नर से और ये जो ब्लॉक बना है उसके हमने एज में से लाइन लगानी है ये जैसे मैंने लगाई है और ये लाइन है हमारी नाइन सेंटीमीटर की कंप्लीट चेक इसी तरह से हमने चारों कोने पे लाइंस लगानी है अब सेंटर वाली लाइन हो गई है अब ये जो लास्ट नीचे वाला ये जो कार्नल है इस पर भी उसी तरह से एज में हमने करनी है लाइन ये भी नाइन सेंटीमीटर की होगी ये ये चीज यहाँ तक ये वाली लाइन भी नाइन सेंटीमीटर और इससे आगे वाला जो कार्नल है वहाँ से भी एक और लाइन लगानी है हमने ये चीज वो तो वाली लाइन जो है ना वो भी हमारी नाइन सेंटीमीटर की होगी क्योंकि इसकी जो जिसने भी कार्नर वाली सारी लाइनें लगेंगी वो होंगी नाइन सेंटीमीटर्स ये अब दूसरे कार्नर वाली लाइन भी लगाएंगे जो ब्लॉक बना हुआ है उसका भी वो भी नाइन सेंटीमीटर होगी हमारी ये यहाँ से इसको भी उसी तरह ही बिल्कुल एंगल पे लाइन को लगाना है साइज का ध्यान रखिएगा ताकि डिफरेंस ना हो 1.5 सेंटीमीटर था और 1.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए वो लाइव कॉर्नर और अब यहाँ से भी इस कॉर्नर पे भी हमने करनी है लाइन लाइक देखा जाए ना सेल टाइप के एक दो तीन चार और पांच कार्नर्स बन रहे हैं पांचों कॉर्नर में से आपने नाइन नाइन सेंटीमीटर की एंगल पे लाइन लगानी है लाइन लगाने के बाद जो नीचे वाले जो कॉर्नर है उनको ज्वाइन कर दें आपस में ताकि जैसे ऊपर एल शेप बना हुआ है इसी तरह नीचे भी एल शेप कंप्लीट तैयार हो जाए फ्रंट व्यू से ये इसको इधर से ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को इधर से हम ज्वाइन कर देंगे ये चीज इस तरह से सो देख रहे हैं हमारी कुछ वाल तैयार होगी है अब ये जो वाल है इसको हमने क्योंकि थ्री में कन्वर्ट करना है इसलिए हम ये वाला जो बॉक्स है इसको हम डिवाइड करेंगे पांच हिस्सों में पाँच ऐसे में डिवाइड करनी है क्योंकि हमने इसको थ्री में कन्वर्ट करना है और हमें ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि ये वॉल बनी हुई है रियल वॉल बनी हुई है दोनों साइडों से पाँच कॉर्नर्स में हमने इसको करना है कन्वर्ट डिवाइड करना है पाँचों कॉर्नर्स में और उसके बाद हमने इनमें से सीधी लाइंस लगानी है वो हो गया एक कॉर्नर हो गया दूसरे कॉर्नर से भी करके हमने फिर जहाँ जहाँ पे आपने मार्किंग की है वहाँ से आपने इसको करनी है लाइनिंग जैसे मैं कह रहा हूं ये एक ये दो ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरी लाइन और यहाँ पे लाइनें लगेंगी टोटल चार और जो बॉक्स बनेंगे डिवाइड होगा वो होंगे पांच ये आपको श्योर है पांच डिवाइड और दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह इसको फाइव टाइप में इसको डिवाइड करना है और बिल्कुल सेम साइज में जैसे उस वाल पर किया था इसी तरह से इसको भी डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद इसको भी इसी तरह लाइनें लगानी है लाइक like ऐसे होना जैसे कि ब्लॉक बने हुए हैं जैसे आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है टॉप व्यू से देख रहे हो तो उसको नज़र आ रहा है जैसे वो बना हुआ है जैसे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं इसी तरह हमने भी इस साइड पर भी ब्लॉक्स बनाने हैं ये हो गया और उसके बाद जो कॉर्नर्स दूसरे जो नज़र आ रहे हैं ब्लॉक्स की जो साइड्स हैं बाहर साइड विजिबल साइड्स जो होती हैं उनको भी हमने इसी तरह से ही करना है जैसे मैं करने लगा हूं आपने उसी तरह फाइव टाइप्स में इनको डिवाइड करना है और बिल्कुल सेम साइज़ में इनको डिवाइड करना है ये हो गया ये और ये हो गई हमारी पांचों साइज़ें बराबर इसी इसको भी उसी तरीके से हमने लाइनिंग करनी है ये ये होगी हमारी लाइन और ये होगी हमारी एक और लाइन तो दूसरी साइड पे भी जो राइट साइड वाला जो हमारा कार्नल बंदा है उसको भी हमने इसी तरह किया है और अब बारी है लेफ्ट कार्नल वाल की लेफ्ट कार्नल को भी हम इसी तरह से बॉक्स बनाएंगे फाइव बॉक्स में डिवाइड करके उसकी लाइनिंग करेंगे ये जैसे मैं कर रहा हूँ ये हो गया वन और uh, टू क्योंकि मेरी जो लाइंस हैं वो थी नाइन सेंटीमीटर की तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया है तो आपने भी जितनी जितनी लाइंस लगानी है उसके हिसाब से आपने उसको डिवाइड करते जाना है ये चीज़ इसी तरह ताकि आपके भी ब्लॉक्स शो हों और ऐसा फील होना चाहिए कि ये पूरी वाल खड़ी है सो so, अब इसको ब्लॉक को कम्प्लीट करने के लिए हमने जैसे ऊपर दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है दो लाइनें यानी कि तीन ब्लॉक्स बने हुए हैं इसी तरह से हमने नीचे भी इनको मार्किंग कर लेनी है जितनी ऊपर थी ये ये चीज़ और ये दो हो गए और इस साइड पे भी हमने उसी तरह से ही इसको लाइनिंग करनी है और अब हमने बनानी है ब्लॉक्स और ब्लॉक्स आपको पता है जॉइंट्स में होते हैं ये होगी फर्स्ट लाइन ये ऐसे और ये चीज़ ये हो गया इसका साइज और दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह ही इसको बनाना है ये ये हो गया और इसके बाद करना है हमने ये देखें ऊपर वाली लाइन में कंप्लीट ब्लॉक हो गए अब सेंटर वाली लाइन बिल्कुल खाली नजर आ रही है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में ताकि सेंटर में एक बड़ा ब्लॉक आए और साइडों पे दो छोटे छोटे ब्लॉक हमारे होने चाहिए ये जैसे मैं कर रहा हूँ ये हो गया एक और ये दूसरा इसी तरह दूसरी साइड में भी करेंगे सेंटर में भी करेंगे और दूसरी साइड पे और जो राइट साइड वाला जो ब्लॉक हमारा बना हुआ है उस पर भी हमने इसी तरीके से करना है स्टार्ट करते हैं ये इस साइड वाला जो हमारी वॉल है आप देख सकते हैं कि कंप्लीट रेडी हो चुकी है और अब हमने करना है राइट right साइड वाली वाल को भी इसी तरह से ऊपर हमारी डिवाइजन हुई हुई है उसी को हम नीचे चलाएंगे ये हो गया ये ये और ये यहाँ से कंप्लीट हो गया अब हमने सेंटर वाले हमारे ब्लॉक्स रह गए हैं वो हमने करने हैं ये इनको भी उसी तरह डिवाइड करना है ये और ये ताकि जो आपके ब्लॉक्स हैं वाल हैं वो देखें कंप्लीट से होना चाहिए उसके बाद हमने ये जो राइट साइड वाला ब्लॉक है इस पर करने हैं ब्लैक कलर वो भी लाइट सा कलर करना है ज़्यादा डार्क नहीं करना जितना लाइट कलर करेंगे आप उतना अच्छा होगा और इसको क्या करी डी वॉल बन रही है इसके शेडो के लिए हमें इसके नीचे थोड़ा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा बॉक्स बनाने के बाद उस साइड पर हम शेडो हमने देना है क्योंकि ये ब्लैक कलर शेडो पे है इसलिए उस दूसरी वॉल पे भी हमारा थोड़ा सा कलर ब्लैक होगा ताकि वो शेडो के तौर पे नजर आए और जो लेफ्ट और राइट right साइड वाले दोनों जो हैं टॉप से उन पे भी हमने इसी तरह ब्लैक कलर करना है जैसे मैं कर रहा हूं। इसी तरह ये हो गया, वाला और अब हमने करना है दूसरा राइट साइड वाले कार्नल पे जो आ गया हमारा राइट right साइड वाला कार्नल राइट साइड वाला कार्नल भी हो गया और अब जो दूसरे कार्नर्स है ना उन पर हमने करना है ब्राउन कलर क्योंकि हमने इसको देना है शेड तो शेड करने के लिए ब्राउन कलर लाजमी है ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करेंगे ताकि वो हमारी वाल और ब्लैक कंप्लीट नज़र आनी चाहिए ये हो गया मेरा ब्राउन कलर भी क्योंकि जो राइट साइड वाला जो टॉप है ना उस पर भी ब्राउन करना है और फ्रंट पे भी और लेफ्ट साइड वाली वाल पे भी हमने करना है ब्राउन ये जैसे आप देख रहे हैं और सेंटर वाली लाइन क्योंकि थोड़ी सी हाफ हो गई है कुछ ज्वाइंट को हमने सेपरेट रखना है इस ताकि लेफ्ट और राइट में फर्क आ जाए इसलिए हम इसको करेंगे नीचे वाली साइड से थोड़ा सा डार्क ताकि ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये कंप्लीट नजर आए ये हो गया और अब नीचे वाले को भी हम थोड़ा सा इस साइड को क्योंकि नीचे से हमने थोड़ा सा डार्क करना है ताकि रोशनी और शेड में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाए हमें यह चीज़ आप देख सकते हैं और कलर करने के बाद हमने इसको करना है थोड़ा सा शेड को करना है हमने लाइट लाइट शेड को कैसे करेंगे इसके लिए थोड़ा सा डार्क इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको करेंगे लाइट डार्क कलर कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा नीचे नीचे वाली साइड्स पे क्योंकि नीचे वाली साइड पे रोशनी कम होती है जिसकी वजह से अंधेरा नज़र आता है डार्क साइड होती है इसलिए हम इसको नीचे से डार्क कर रहे हैं उसके बाद हम टिशू का यूज़ करेंगे क्योंकि टिशू से हम इस कलर को करेंगे थोड़ा सा लाइट ये हो गया हमारा कलर लाइट दोनों साइडों का कलर करेंगे सेंटर में से भी थोड़ा सा लेफ्ट और राइट यानी कि कंप्लीट वाल में से हम इसको कलर को करेंगे थोड़ा थोड़ा लाइट ताकि हमारे जो शेड्स हैं वो हो जाए परफेक्ट अपने शेड्स यूज कर लिए और इसके बाद हम इसको करेंगे दोबारा से थोड़ा सा कलर ताकि थोड़ा सा शेड अच्छे तरीके से हमारा आ जाए ये थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं लाइट करने के बाद हम दोबारा से इसको नीचे वाली साइडों को थोड़ा डार्क करेंगे ताकि वो सेपरेटली नजर आ जाए ये हो गया हमारी दोनों साइडें कंप्लीट उसके बाद हम थोड़ा सा लाइट से कलर देंगे थोड़ा सा क्योंकि हमें शेड देना है शेड सही होना चाहिए हमारा ये हो गया और इसके बाद हम मार्कल के साथ मार्कल का यूज़ करेंगे वाल्स को सीधा करेंगे ये हो गया और दोनों साइडें क्लियर कर लेंगे ये भी और ये वाली साइड भी ये इस साइड से भी हम इसको क्लियर कर लेंगे और ताकि जो पूरी वाल है कि जो ब्लॉक्स थे क्योंकि कलर की वजह से वो नजर नहीं आ रहे थे सो इसलिए उनको हाईलाइट करना है थोड़ा सा ये भी हो गए ये ये और इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे ये चीज़ उसके बाद हम फिर इसके थोड़ा सा कलर करेंगे और कलर करने के बाद फिर इसको दोबारा से हम टिशू यूज करेंगे और उसको कलर को थोड़ा सा करेंगे लाइट ये ताकि हमारे जो शेड्स हैं वो परफेक्ट आ जाए देख सकते हैं आप और क्योंकि राइट साइड वाला कान उस पर रोशनी थोड़ी सी कम पड़ती है इसलिए हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे और ये चीज़ थोड़ा सा शेड्स को कर लेते हैं ताकि हमारे जो वॉल है वो सही तरीके से नजर नजर आ जाए और अब हमने इसको थ्री में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि इसके साइडों में से इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा ये चीज़ दोनों साइडें डिवाइड कर लेते हैं और ये लाइनिंग कर ली हमने इसके बाद हम इसको करेंगे कट आउट ये ऊपर वाली जो साइड है ना वो सारा हमने इसे एल शेप में ही इसको कटिंग करनी है इस पेपर की ताकि जो आपकी वॉल है वो सही तरीके से थ्री में नजर आए इस कटिंग करते हैं हम स्केल का यूज कर रहे हैं आप सीजर का यूज़ कर लें कोई भी आपके पास अगर कटर या कोई भी इस तरह की चीज़ है वो आपको यूज में आ सकती है कटिंग के लिए वो आप यूज़ करें और देखें कैसे ये थ्री शेप में अभी से ये थोड़ा सा नजर आ रहा है जब तक ये कंप्लीट होता है आप जब सब्सक्राइब टू वॉच मोर